ठेकेदार आपका कमा कर चला जाएगा, है मैंने आप लोग अपना नौकरी करेंगे भाई, तनख्वाह पाएंगे, ट्रांसफर पाएंगे, नौकरी पाएंगे, ये गांव के रोड का क्या होगा मेरे दादा? कह रहा हूँ ये जो रगड़ रगड़ के रोड में ले जाते हैं ना, वो क्या ये न्याय उचित है? अरे ये तो मैं अभी आपको फोटो भेजा हूँ भैया, मैंने ट्रैक्टर के मुंडी में इसको बॉल को लगा करके रुको देखना नहीं है, इसलाह के लिए जा रहे, पूरा रोड बर्बाद होगा, ठेकेदार आपका कमा कर चला जाएगा, है मैंने आप लोग अपना नौकरी करेंगे भाई, तनख्वाह पाएंगे, ट्रांसफर पाएंगे, नौकरी पाएंगे, ये गांव के रोड का क्या होगा मेरे दादा? ऐसे नहीं भैया, अपना नहीं नहीं उसको बोलिए भैया, पूरे ठेकेदारों की बैठक बुलाई है और आप अच्छे अधिकारी हैं इसलिए बोल रहा हूँ भैया आपको, आग्रहपूर्वक ठेकेदारों की बैठक बुला कर इसको ठीक कराइए। और दूसरा ये है भैया कि ये जो पोल गढ़ा रहे हैं ना, ये ठीक से नहीं गढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है ना, बेस बना रहे हैं, जल्दी काम धाम निपटाने के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हैं, अगर ये पूरा बेस नहीं बनाए, ठीक से नहीं गढ़ाए, तो ये एक आध साल में झुक जाएगा भैया, अगले आधी पानी साय से गिर जाता है, फिर लाइट गोल रहता है, झुक जाएगा अगर तो अगली बार एक्सीडेंट का दिशा चक्कर है, फिर अगली बार गांव के दौरे में आए तो फिर वही आपका छोड़ा हुआ काम, आपका बिगाड़ा हुआ काम हमारा प्राण लेता है, तो ठीक करवाइए भैया इसको, कब रख रहे हैं बैठक उसको बताइए और मेरे को बताइए भैया, ये इस तरीके से काम करेंगे जी? दो पैसा बचाने के लिए पूरा रोड खत्म कर देंगे, इतना सुंदर रोड गांव का बना हुआ है, देखिए विकास आप बताइए भैया आप।